हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं फातिमा सिद्दीका, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। वेब डिजाइनिंग टूल्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया था अबाउट फोटोशॉप इंटरफेस, कैसा फोटोशॉप का इंटरफेस होता है, कैसे आप एक फाइल क्रिएट करते हैं उसमें, कैसे आप फाइल को क्लोज करते हैं, कैसे आप डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में फाइल को सेव करते हैं, उसके अलावा जो डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं उसमें क्या कौन कौन से मेन्यूज़ होते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। आज इस लेक्चर में आप सभी जानेंगे फोटोशॉप में अवेलेबल टूल बार्स के बारे में। जो टूल बार्स के अंदर डिफरेंट टूल्स ये होते हैं, जैसे कि मार्की टूल, लेसो टूल, मूव टूल, क्लोन टूल एंड टेक्स्ट टूल एट्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोशॉप में लेफ़्ट साइड पे टूल बार दिया होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स दिए होते हैं। लेट्स सी कौन कौन से टूल यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन मार्की टूल, लेसो टूल, मैजिक वैंड एंड क्रॉप टूल। ये फर्स्ट ये टूल बार जो है आप देख सकते हैं 5-6 पोर्शंस में डिवाइडेड है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर सबसे पहले आप मार्की टूल आपको मिलेगा, लेसो टूल आपको मिलेंगे। लेसो के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं अगर आप क्लिक करेंगे, जैसे मैग्नेटिक लेसो, नॉर्मल लेसो एंड मैजिक वैंड टूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड क्रॉप टूल यहाँ पे दिया है आपको। सेकेंड पे आप मूव टूल होता है यहाँ से, ब्रश टूल, ये सभी टूल्स मैं आगे डिटेल में आपको डिस्कस करूँगी। यहाँ से जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कौन कौन से टूल्स हैं अवेलेबल। ब्रश टूल, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, इरेज टूल, उसके बाद क्लोन स्टैम्प, पैटर्न स्टैम्प टूल अवेलेबल होता है, स्मज टूल, डॉज टूल, स्पॉन्ज टूल, टेक्स्ट टूल, सेट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। तो बेसिकली कैटेगरीज ऑफ टूल्स हैं, इन सारी कैटेगरीज में आपको मोर देन वन आप टूल्स अवेलेबल होते हैं, और एक ही वर्क को करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको यूज़ करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी मार्की, लेसो, मैजिक पेंट एंड क्रॉप टूल्स। फर्स्ट वन इज मार्की टूल। मार्की में क्या होता है, सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ एन इमेज यू आर वर्किंग विद, अरेंज्ड फॉर्म सच एज रेक्टेंगुलर एंड इलेक्ट्रिकल। इसमें जिस अगर सिलेक्शन के लिए ये सारे टूल्स यूज होते हैं बेसिकली, मार्की में एक मार्की की हेल्प से आप एक अपने रेक्टेंगुलर और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिलेक्शन कर सकते हैं इमेज में। सेकेंड है लेसो टूल। लेसो टूल में क्या करते हैं, ड्रॉ सिलेक्शन पाथ्स फ्री हैंड विद अ माउस। माउस की सहायता से आप फ्री हैंड पाथ ड्रॉ करके इमेज में दिए गए ऑब्जेक्ट्स को, इमेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना है और सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन करना है तो मार्की टूल यूज़ कर सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्लावर्स या डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को आपको सेलेक्ट करना है तो आप फ्री हैंड पाथ ड्रॉ करेंगे उसके जो बॉर्डर्स पे, बाउंड्री पे, यूजिंग लेसो टूल। नेक्स्ट है मैजिक वैंड टूल। मैजिक वैंड टूल में क्या होता है, इट सेलेक्ट ऑल द सेम कलर और सिमिलरली कलर्ड एडजेसेंट पिक्सल्स। ये पिक्सल्स पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपको ग्रास का सिलेक्शन करना है और वो सेम कलर्स के पिक्सल हैं ग्रीन कलर के, तो ग्राउंड में आप मैजिक पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। तो मैजिक पेन टूल जब से आप जब वहाँ क्लिक करेंगे तो सेम कलर के पिक्सल्स वहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। समटाइम्स ये बहुत इफेक्टिव होता है, एंड अगर पिक्सल्स के कलर कोडिंग में वेरिएशन होता है तो ये टूल पे इफेक्टिव नहीं होता है। क्रॉप टूल सभी को पता है, इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। द सेलेक्टेड एरिया विल बी सराउंडेड विद ए ब्लिंकिंग डॉटेड लाइन्स। जब आप इसको जो क्रॉप करेंगे तो जो सिलेक्टेड एरिया होगा वो ब्लिंकिंग डॉटेड लाइन से आपको सराउंड हो जाएगा। सेकंड है मूव। मूव टूल में मूव द इमेज ऑन ए सिलेक्टेड लेयर टू अदर पार्ट ऑफ कैनवस यू आर वर्किंग। मूव टूल की सहायता से आप जो सिलेक्टेड लेयर है जिसमें वर्क कर रहे हैं उस पर जो इमेज है उसको कैनवस के दूसरे पार्ट्स में मूव करा सकते हैं। थर्ड है ब्रश, ग्रेडियंट एंड पेंट बकेट टूल्स। ब्रश टूल में क्या होता है, ब्रश टूल बेसिकली टूल है ड्राइंग के लिए, लाइन के लिए एंड ब्रश के ब्रश स्ट्रोक्स के लिए।
इसमें अगर आप नीचे जो जैसे ब्रश टूल में नीचे एक ट्रायंगल आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे पेंसिल ऑप्शन, ब्रश ऑप्शन। वहाँ से आप आर्टिस्टिक ब्रश होता है, हिस्ट्री ब्रश होता है, तो वहाँ से आप डिफरेंट टाइप के ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टूल। दिस हेल्प्स यू टू पेंट स्टेज बाई स्टेज विद मोर देन टू कलर्स। अगर आपको मोर देन टू कलर्स का ग्रेडियंट के फॉर्म में इफेक्ट यूज़ करना है तो आप ग्रेडियंट टूल यूज़ करेंगे। आप अपना खुद इसमें यहाँ से कलर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म कर सकते हैं और फिर उसको फिल कर सकते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर। थर्ड है आपका यहाँ से पेंट बकेट टूल। फिल आउट अ क्रॉप्ड पार्ट विद जस्ट वन क्लिक ऑफ दिस टूल। जो भी कलर सेलेक्ट किया होगा, सेलेक्टेड कलर, ये पेंट बकेट की सहायता से आप अपने क्रॉप पार्ट में, इमेज के सिलेक्टेड पार्ट में फिल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इरेज टूल। इरेज व्हाट यू क्रॉप्ड और वेयर यू क्लिक विद योर माउस आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टूल। इस टूल को सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी आप माउस से क्लिक करेंगे वो पोर्शन इरेज हो जाएगा कैनवस से, आपके इमेज से, या फिर अगर क्रॉप्ड आपका पोर्शन है तो वो इरेज हो जाएगा। फिफ्थ वन इज क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैं इसे यूज़ करती हूँ। क्लोन स्टैम्प में क्या होता है कि कॉपी अ सेलेक्टेड पार्ट एंड रिस्टोर इट वेयर यू वांट। अगर आपको इमेज में जो भी इमेज है वहाँ से अगर डिस्टॉर्ट है या कुछ पोर्शंस का ख़राब हो गया है, या फॉर एग्जांपल अगर आपका एक सीनरी है उसके कॉर्नर में ग्रास दी गई है और आप चाहते हैं कि पूरे कंप्लीट सीनरी में नीचे ग्रास हो जाए, तो आप उसमें पैटर्न स्टैम्प और क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ कर सकते हैं। क्लोन स्टैम्प बेसिकली बहुत इसका जो एडवांटेज है, जो इसका यूजेज है, वो फेशियल जो आपकी डिफॉर्मेशन है या अगर कोई फॉर एग्जांपल आपके फेस के ऊपर आपका जो है डॉट्स हैं या जो है कुछ धब्बे टाइप के होते हैं, तो वो आपको रिमूव करने के लिए आप क्लोन स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आप सैंपल लेंगे, जिस स्किन एरिया से सैंपल लेंगे, सेम वही क्लोन करके आपके दूसरे स्किन एरिया में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब वहाँ से डिफॉर्मिटी रिमूव हो जाती है। एंड पैटर्न में जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ नियरली द सेम टूल विथ क्लोन स्टैम्प, बट यू कैन अरेंज द शेप यू क्रॉप्ड एंड यू कैन यूज़ इट एज ए फिक्स शेप। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स शेप आप डिफरेंट डिफरेंट जगह आप उसको अप्लाई करके उसको पेस्ट कर सकते हैं पैटर्न के रूप में। जैसे कि ग्रास आपको लगानी है तो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपका सारे में पेस्ट होता चला जाएगा एंड इट लुक्स लाइक कि पूरे एरिया में वहाँ से ग्रास लगी हुई है। नेक्स्ट है आपका स्मज डॉज एंड स्पॉन्ज टूल। स्मज टूल इफेक्ट एज सच रबिंग कैनवस विद फिंगर्स। स्मज इफेक्ट देता है जैसे कि आपने कैनवस को एक फिंगर से रब किया है, तो वो इफेक्ट आपको यहाँ से इस टूल की सहायता से मिलेगा। डॉज में क्या होता है, मेक इट ब्राइट द पार्ट वेर यू स्क्रब विद दिस टूल। जहाँ से आप ये टूल अप्लाई करेंगे तो वो पोर्शन थोड़ा ब्राइट हो जाएगा, ब्राइट इफेक्ट आता है। स्पॉन्ज में क्या होता है, सैचुरेट और डिसैचुरेट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज। जो भी पार्ट सिलेक्ट होता है उसको या तो आप सैचुरेट कर सकते हैं या फिर डिसैचुरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट। सिंपल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टी से आप इसको पहचानना भी काफ़ी इजी होगा। टाइप इन वेरियस कैरेक्टर्स। जब भी आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप जो भी आपको कैप्शन देना है, जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना है, वो आप टाइप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है टेक्स्ट लेयर, उस लेयर के अंदर आपका पूरा टेक्स्ट रहता है। ये जो आइकन आप देख रहे हैं, ये सेट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ होता है। इसमें दो लेयर्स आपको ऊपर नीचे ओवरलैपिंग वे में नज़र आती हैं, शो होती हैं। तो फोरग्राउंड कलर जो ऊपर वाली लेयर होगी वो फोरग्राउंड कलर होगा, और जो नीचे वाली लेयर होगी वो बैकग्राउंड कलर होगा। द कलर ऑफ द इमेज व्हाट यू ड्रॉ विद अ ड्राइंग टूल सच एज ब्रश टूल। तो फोरग्राउंड कलर में जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं, जो भी यहाँ कलर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस वक्त यहाँ से ब्लैक कलर है, तो अगर आप ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ होगी। और बैकग्राउंड कलर में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइट कलर सेलेक्टेड है,
तो ये आपका बैकग्राउंड कलर, जो भी इमेज का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर का कलर ये डिफाइन करता है यहाँ से बैकग्राउंड कलर। व्हेन यू यूज द ग्रेडियंट टूल द कलर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फोरग्राउंड कलर। अगर आप ग्रेडियंट टूल यूज़ करेंगे तो उसमें फोरग्राउंड कलर से कलर डिफरेंट होगा। इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वाइट ऊपर एंड ब्लैक नीचे आ जाएगा, या कोई दूसरा कलर अगर आपको देना होगा तो वो भी आप इसमें बैकग्राउंड कलर में सेट कर सकते हैं। सिमिलरली फोरग्राउंड कलर में भी आप अकॉर्डिंग टू योर नीड कोई भी कलर आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वेरियस टूल्स गिवन इन टूल बॉक्स। थैंक यू सो मच।